बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का? आई होप आप ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से। तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। जैसे कि आपको पता है बकरा ईद है, मैं बना रही हूँ मटन कढ़ाई बनाना। आज मैं सुबह से बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी तो मैं आप बना रही हूँ मटन कढ़ाई बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने मटन लिया था 1 किलो, मैंने पहले उबाइल कर लिया था, उबाइल करके मैंने रखा हुआ है। ये मैंने यखनी इसकी निकाल ली थी, एक कटोरी दही है और ये 6 हरी मिर्चें हैं और ये 1 चम्मच अदरक, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच गरम मसाला और मैंने लिए थे 4 मीडियम साइज़ के टमाटर और ये है खुश्क मसाले, 1 चम्मच नमक लिया था मैंने, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच कुटी सुरख मिर्च और 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मैंने लिया सूखा धनिया, 2 चम्मच मैंने लिया कढ़ाई गोश्त का मसाला। तो मैं अब बनाना स्टार्ट करती हूँ। ऑयल मैंने पहले से डाला हुआ था, ये मैंने मटन पहले मैंने ऑयल गरम किया हुआ था पतीले में 1 कटोरी, तो मैंने ये मटन डाल दिया इसमें। मैं इसे अच्छी तरह फ्राई करूँगी, 5 मिनट में से फ्राई करके अब मैं इसके अंदर डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। जैसा कि आपको पता है बकरा ईद है, बस सब लोग ही अपने अपने घरों में मसरूफ होंगे, तो मैं भी सुबह से मसरूफ थी तो मैंने सोचा कि मैं मटन की आज आपको मटन कढ़ाई की रेसिपी देती हूँ। मैंने अदरक लहसुन डाल दिया, अब इसके अंदर मैं डालूँगी टमाटर। बनानी बहुत ही आसान है, जल्दी बन जाती है और बहुत ही मज़े की बनती है, ये ज़्यादा टाइम भी नहीं लेती। तो ये देखें, मैंने पहले से ही मटन को उबाइल कर लिया था, उसकी यखनी अलहदा करनी है आपने जितनी आपको चाहिए। मैंने 1 कटोरी उसकी यखनी मैं ज़ाया नहीं करूँगी, इसी में ही डालूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैं खुश्क मसाले ऐड कर रही हूँ इसमें। ये मटन कढ़ाई बनाना बहुत ही आसान है और जल्दी बन जाती है, आप भी अपनी फैमिली के साथ बनाएं, इंजॉय करें। बहुत ही मज़ेदार लगती है मटन कढ़ाई। आठ मिनट में से ऐसे भून लूंगी। जो मेरी यखनी है ये देखें, ये यखनी मैंने निकाल ली थी कटोरी में, ये मैं अब इसमें ऐड करूंगी। मैं अच्छी तरह भून लूंगी इसे, अब अच्छी तरह मैं भूनूंगी। ये देखें, मैंने यखनी ऐड कर दी है इसमें, अब मैं इसे अच्छी तरह भूनूंगी जब तक मेरे ये पानी खुश्क नहीं हो जाता। यखनी मैंने तो डाली, इसी में ये टमाटर भी गल जाएंगे। अभी देखें, ये देखें, भुनाई कर रही हूँ मैं इसकी, देखें पानी थोड़ा थोड़ा खुश्क हो रहा है जो मैंने यखनी डाल ली थी इसके अंदर। तो ये देखें, जब आप ऐसे हो जाए तो इसके अंदर अब आपने डालनी है ये, मैंने 5 से 6 ली थी सब्ज मिर्चें, साबुत कटी हुई नहीं डालनी। और इसमें मैंने 1 कटोरी ये दही ली है, ये डालूंगी। मैंने 1 कटोरी दही डाल दिया, अब मैं इसे अच्छी तरह इसकी और मज़ीद भुनाई करूँगी। ये देखें, दही अपना पानी छोड़ेगी, वो खुश्क होगा, फिर मैं आपको बताती हूँ मैं इसकी भुनाई करूँगी। ये देखें, ये मेरी मटन कढ़ाई बनके तैयार है। ये देखें, जैसे जितनी आप ग्रेवी रखना चाहते हैं उतनी आप रख सकते हैं। ये देखें कितनी मज़ेदार, मेरा गोश्त पका हुआ तो था, ये देखें कितना अच्छा, कितनी अच्छी लुक आ रही है और कितना यम्मी बना है।
ये देखें मेरी मटन कढ़ाई बन के रेडी है। मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ डिश आउट करके। ये देखें अब मैं डिश आउट कर रही हूँ। ये देखें कितनी यम्मी सी बनी है मेरी मटन कढ़ाई। देखें कितनी प्यारी लग रही है, कितना प्यारा लुक है। बनाना भी आसान है और जल्दी बन जाती है, इतनी टेस्टी सी लग रही है। ये देखें मेरी मटन कढ़ाई बन के रेडी। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये गरम मसाला। ये देखें ये मैंने गार्निश के लिए ये अदरक लिया था। ये देखें कितनी मेरी यम्मी सी मटन कढ़ाई बन के रेडी है। आप सब लोगों को कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताना। आप भी बनाना, बकरा ईद है, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करना। मेरे चैनल को करें लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब लाजमी क्या करें, और कमेंट करके मुझे लाजमी बताया करें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। आप भी अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। इसी वीडियो के साथ लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।